हेलो, राम राम जी। सबने स्वागत है आज के नए व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविताज व्लॉग में। और सब ठीक ठाक, हम भी ठीक हैं। आज टाइम हो चुका है 12 और मैं चल रही हूँ एक छोटा सा टूर पे। देखते हैं कहाँ जाएंगे और किससे मिलेंगे, क्या क्या करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, आगे मिलती हूँ मैं। हम जान लग रहे थे भाई चंडीगढ़, क्योंकि मुश्किल से बच्चों के स्कूल कॉलेज खुले हैं। तो मेरा बेटा चंडीगढ़ पढ़ा है, उसके लिए कमरा देखाना था और कॉलेज में फीस भर के आनी थी, इसलिए हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। साथ में मेरा भाई है और ये जा रहे हैं, हम तीनों जा रहे थे। मेरा तो प्रोग्राम नहीं था जाने का, लेकिन ये लग गए कहना भी चल। और मैं दिखा रही हूँ आपको जो गीता द्वार है ना, कुरुक्षेत्र पीपली का, वो दिखा रही थी अब। तो मैं कह रही थी भी मेरा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये मेरे को लग गए कहना भी चल, तो भी घूम आइए। तो मैं चलो भाई चल पड़ूंगी मैं भी, साथ में अपना व्लॉग बना ले आवेंगे, कंटेंट बन जाएगा। मैंने तो चाहिए ऐसे ऐसे मौके जाने के, लेकिन चली तो जाती हूँ लेकिन शरीर जवाब दे जाता है। इतना लंबा 2 घंटे लग जाते हैं, 2 जाने के 2 आने के, तो शरीर बहुत थकावट हो जाए, सिर में दर्द बहुत बुरा लो जे है। फिर मैंने सोचा भी चल कोई बात नहीं, ये तो शरीर में होंदे जाते रहेंगे, अपना काम तो करना है। तो हम चल रहे हैं हम GT रोड पे, हमारे कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ 2 घंटे कि उसमें दूरी पर है। बीच में थोड़ा एरिया पंजाब का वह है और फिर बाद में चंडीगढ़ आ जाए है। तो हम अपने हंस दे बोल दे खेल दे मस्ती कर दे चल रहे हैं। और साथ साथ में घर से निकले, जब बारिश हो रही थी हमारे वहाँ, यहाँ तो थोड़ी हुई थी, आगे थोड़ी अच्छी सी हो रही थी, इसके बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि भाई सीजन चल रहा जीरी का और उधर साइड है बाड़ी का, तो थोड़ी दिक्कत सी आई जावा है इनमें। और ये हम पहुंच चुके हैं हम बाड़ा का कैंट एरिया। मैं अपने भाई से पूछ रही थी भी ये कैंट एरिया है ना या एयरफोर्स है, तो कहने लग रहा था भी ये कैंट एरिया है, एयरफोर्स इससे आगे आएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं जग्गी सिटी सेंटर, जो अम्बाड़ा में जग्गी सिटी सेंटर है उसके पास पास पहुंच रहे थे। क्योंकि कुछ टाइम पहले इसकी न्यूज आई थी तोड़फोड़ की, भी सरकार तोड़फोड़ कर देती है, नुकसान उठाना पड़ता बेचारे इन जो दुकानदार हैं। जग्गी सी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, दुकानदारों का बिगड़ा, क्योंकि लॉकडाउन वैसे ही लग रहा था, इस कोरोना की महामारी का चक्कर में बेचारे के काम ही खत्म हो गए हैं। ऊपर से फिर सरकार नगर निगम वाले तोड़फोड़ कर दें, दुकाना में थोड़ी बहुत सजा में सामान तोड़ दे हैं, तो दिक्कत तो ही जावे है, क्योंकि इस महामारी में तो सारे फंसे पड़े हैं। इब हम पहुंच रहे हैं हरियाणा पंजाब का बॉर्डर पर, यहाँ पर था एक आखिरी पेट्रोल पंप, उन्होंने बोल रखा था भी ये हरियाणा का आखिरी पेट्रोल पंप है। अच्छा, मैं पूछ रही थी माँ भाई आखिरी है यू। और इधर से पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं कालका वाले, और ये आ गया है डेरा बसी। हाँ डेरा बसी, डेरा बसी से बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है ऊंची ऊंची, दूर से ये दिखने में छोटी छोटी लगे हैं लेकिन बहुत ऊंची ऊंची हुए हैं। जो इनके ऊपर से चढ़ कर देखा है तो बिल्कुल नीचे छोटे छोटे नज़र आवे हैं। यहाँ पे रहती है हमारी बुआ जी, तो उसके बारे में बात कर रहे थे हम भी, इधर से रास्ता जा रहा है। तो हमारे वहाँ यहाँ तो है नहीं कुरुक्षेत्र में तो इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग, हमें तो कभी कभार जाने का मौका मिलता है चंडीगढ़। और हम पहुँच चुके हैं अब चंडीगढ़ में, द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़, वेलकम टू राजधानी। ये हमारी राजधानी है, इस पे हमारा हक है जाने का, घूमने का, फिरने का, लेकिन हम अपना काम सर जा रहे थे, घूमने फिरने नहीं जा रहे थे। घूमने फिरने तो फिर मैं कभी जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, फिर कभी जाऊंगी। क्योंकि मैं गई थी 2008 में चंडीगढ़ में, तो उस टाइम पर सिर्फ सुखना लेक पर गए थे, और रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन बहुत सारे नहीं देखे। पिछले साल भी अक्टूबर में गई थी, लेकिन उस टाइम भी हम अपना काम ही करके ना आ गए थे, वापिस आगे जा नहीं पाए थे, क्योंकि 2 घंटे जाने के लग जाए, 2 आने के लग जाए हैं, तो इस चक्कर में आगे कुछ देख नहीं पाते, फिर जाएंगे कभी। और इतनी भीड़ हो जाए गाड़ियाँ की, हद से ज़्यादा मैं कह रही,
चंडीगढ़ में तो गाड़ी ही गाड़ी है, मार्केट में देख ले, रोड पर देख ले, जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर भी गाड़ी गाड़ी थी। और इवन पहुँचने वाले हो रहे हैं अपने, पहुंच गए हमें जहाँ आना था, छोटा सा कमरा है, कीमत बहुत महंगी है, कुछ भी नहीं, एक पंखा पंखा बस, लेट हो रहे हो, लोग बना रहे हो। मैंने ना जब तक बुआ नहीं गंदा नहीं तब लोगों में लेन दी मैं बढ़िया है भी कदे मेरी माँ नहीं देख ले हैं। पैड़ी तो देखो तारी कितनी बीड़ी बीड़ी है, अजीब सी है ना, और ऊंची 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 ऊंची, दो बार तो एडी मेरी पूरा पैड़ी पट्टे की तेरी तो है, तो पट्टन का सोचा चल पड़े। ना ना उड़ा कौन था? मन तो लग दी नहीं यार। यही है, यही है, यही है। अरे नहीं रे। चल कोई नहीं, निकल जाए कड़िया तो निकलांगे। यू कौन नहीं था? अगला है, अगला दो अगला है। नहीं वैसे चाय चुए पी कर मैं तो बैठ गई हूँ गाड़ी में, आज चंडीगढ़ की चाय पी है, भीड़ इतनी हो रही है हद तक नहीं। आ रहे हैं बच्चे अपने माँ बाप ना गलती कर रहे जहां भी देखा वहीं पे बच्चे, जहां देखो वहीं पे बच्चे, कोई कुछ करने के लिए आ रहा, कोई कुछ करने के लिए आ रहा, लड़के लड़कियां लड़के लड़कियां कोरे। चाय पी के बैठ गई हूँ मैं अब, और जा रहे हैं अपना सुट्टा खट्टा मारन, चलेंगे, 4:30 हो चुके हैं, देखते हैं कितना टाइम में पहुंचेंगे। इतनी भीड़ है बड़े शहरों में, पता नहीं लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, हमारा कुरुक्षेत्र में तो इतनी है नहीं, यहाँ पे तो हर जगह गाड़ी ही गाड़ी, कहीं देख ले मार्केटों में देख ले, सेक्टरों में देख ले, सड़क पर देख ले, हर जगह गाड़ी गाड़ी, पता नहीं लोग इतनी भीड़ में किस तरह रहे हैं। चाय वाला सिर्फ इलायची डाल रखी थी और मट्टी के कप में दे रखी थी, और भीड़ इतनी लग रही थी, एक छोटा सा कप 30 रुपये का था, घर में इतनी चाय तो वैसे ही कपा में छोड़ते हैं, और इतनी बढ़िया दूध में पत्ती हो है, लेकिन यहाँ पे 30 रुपये की थी वही चाय, सिर्फ एक मट्टी का कसोरा में, और लाइन लग रही, पता नहीं है दुनिया कड़ा जाएगी। हम अपना काम करके वापिस निकल चुके हैं अपने कुरुक्षेत्र के लिए, और यहाँ पे इतने चौक हैं, इतने इतनी बत्ती हैं, तो मैं वो दिखा रही थी क्योंकि मेरे ख्याल से 7-8 चौक आते हैं, और चौक भी बहुत सुंदर सुंदर पार्क बनाए हुए हैं, इसलिए नहीं चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी बोलते, इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे साफ सुथरा, यहाँ पे अगर सड़क टूट जाते हैं तो रातों रात बना देते हैं, और हर जगह पेड़ ही पेड़, पार्क अच्छे अच्छे, मेंटेनेंस भी बहुत बढ़िया रखते हैं, जैसे चंडीगढ़ में रखते हैं वैसे हर जगह रखनी चाहिए, क्योंकि भाई अपना शहर को खूबसूरत बना के रखना ही हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन लोग नहीं करते, लोगों में हम भी आते हैं कभी कभार देख लेते हैं, तो कभी कभार आँख मीच कर निकल लेते हैं। ये चौक और बत्तियाँ, ऐसा होता है चंडीगढ़ में जब चल रहे हैं तो अगर आप हरी बत्ती आपने साथ में ही क्रॉस कर ली ना, तो हर चौक पे आपने हरी बत्ती पर क्रॉस कर जाओगे, अगर रेड पर वो कह रुक गई तो रुक ही जाएंगे,
तो ब्रेड पर रुक रहे थे और एक खुप्पे वाला आया था, क्योंकि ये कच्चा नारियल है, ये ले लिया हमने सबने। मेरे को पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं अब खाती हूँ इसको, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। और हम दोबारा फिर लाल बत्ती पार करके चल पड़े हैं। और इनके नियम से गाड़ी चलाई जावे चंडीगढ़ में, ऐसे नहीं है भी कहीं को कहीं घुसा ली ना, इसका कोई मतलब नहीं। छोटी सिटी में तो हम कहीं भी घुसा देते हैं गाड़ी को, स्कूटी को, यहाँ तो अपनी अपनी लाइन में ही चलना पड़ा है, नहीं तो आपका चलान पक्का है। और हेलमेट, अगर बाइक पर हो तो हेलमेट जरूरी है, आगे वाले को और पीछे वाले को। और इस टाइम में फुप्पा खाते हुए कह रही थी भी लोग तो बारिश का मौसम में भुट्टा मक्की खाते हैं और हम खोपा खा रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे, तो ये पूछ रहे थे भी इतने भुट्टा खाना, मैं ना मैं नहीं खाती, क्योंकि भुट्टा पे होता खट्टापन और जो मेरे दांतों में सूट नहीं करता, तो मैं तो वहाँ खोपा ही खा लूँगी। और सामने हो रही थी लाल बत्ती, थोड़ी देर रुक रहे थे क्योंकि बत्तियाँ ही बत्तियाँ होती हैं वहाँ पर तो। और चलिए अब और आगे बढ़ते हैं अपने, इब हमने चंडीगढ़ लगभग लगभग क्रॉस करने के उस पे आ रहे हैं हम, कि चंडीगढ़ में ही बहुत काफ़ी टाइम लग जाए क्रॉस करते होने। तो आज का व्लॉग मेरा सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल व्लॉग है, क्योंकि काम थोड़ा था और ट्रैवलिंग ज़्यादा था। तो आप इसको ट्रैवल व्लॉग की तरह लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जो नए आ रहे हैं चैनल पे, और कमेंट भी करके बता देना भी, कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो ना भी पसंद आ रहा है तो आप कमेंट लिखते होने, थोड़ा लंबा कमेंट लिखेंगे तो 5-7 मिनट की वीडियो तो वैसे ही निकल जावा कमेंट में, तो कमेंट भी कर दिया करो, लाइक का बटन भी दबा दिया करो। और जो नए आ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। और यहाँ पे ना अपनी बीच वाली लाइन में रहना पड़ता है, क्योंकि जो इस इधर की राइट हैंड की लाइन होती है वो होती है चौक पे मुड़ने की, बीच में जो होती है सीधी चलने की। और दो चार घंटे में तीन स्टेट घूम आई है, चौथी भी हो जाने थोड़ी और आगे पीछे की दिखे भी है, थोड़ा सा दिखा है, थोड़ा सा दिखा है, तम ने दिखा है आगे बैठे ने एयरपोर्ट नु ना है अगर चढ़का गया ही ना नुन्ने तो एयरपोर्ट है चढ़का गया फिर नुन्ने तो ही हां कुछ थोड़े बर्तन साफ करने हैं, थोड़े छोड़ के गई थी
और आज करती हूँ लोग को यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक जरूर दे दिया करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, एक आधा करो लाइक भी और कमेंट भी। कल मिलते नए व्लॉग के साथ, करती हूँ आज के व्लॉग का यही एंड। बाय।